आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं संजना शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ मैंबर देशां नूं दहशतगर्द कार्रवाईयां नूं सहायता जां रकमां देण वालियां दी जवाबदेही तय करन लई कहा। कर्नाटका विच विधानसभा चोणां लई चोण प्रचार जोर फड़ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तीन जनसभावां नूं संबोधन करनगे। विवादग्रस्त सुडान तों ऑपरेशन कावेरी तहत हुण तक लगभग 2400 भारतीयां नूं सुरक्षित कढ़िया गया। बैडमिंटन च सात्विक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दुबई एशिया चैंपियनशिप विच मर्दां दे डबल्स दे सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। इस नाल 52 साल बाद मर्दां दे डबल्स विच तमगा पक्का हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ मैंबर देशां नूं दहशतगर्दी नूं खत्म करन वल रल के काम करन अते जेहियां गतिविधियां नूं माली मदद देण जां इस विच सहायता करन वालियां दी जवाबदेही पक्की करन लई कहा। नवीं दिल्ली विच एससीओ मैंबर देशां दे रक्षा मंत्रियां नूं संबोधन करदिआं श्री सिंह ने जोर दे के कहा कि दहशतगर्द कार्रवाईयां करन जां इन्हां नूं हमायत देना मनुखता खिलाफ इक अपराध है अते इस समस्या दे रहिंदिआं अमन कायम नहीं हो सकदा। उन्हां ने नौजवानां नूं कट्टरपंथी बनाए जाण ते चिंता जाहिर कीती अते इस नूं समाजिक आर्थिक प्रगति दे राह विच इक वड्डी सुरक्षा चुनौती अते रुकावट करार दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश भर विच 91 थावां ते 100 वाट दी समर्था दे एफएम ट्रांसमीटर शुरू कीते ने। ए ट्रांसमीटर 18 राज्यां ते 2 केंद्री प्रबंधित प्रदेशां दे 85 जिलियां विच लाए गए ने। इस नाल आकाशवाणी दे ट्रांसमीटर दा नेटवर्क 524 तों वध के 615 हो गया है। इस नाल देश की 70.5% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच होर उत्साहित होगी। खब्बे पक्षी अतवाद तो प्रभावित इलाकों विकास की उम्मीद वाले जिले और देश के सरहदी इलाकों नूं ट्रांसमीटर्स लाने की तरजीह दी गई है। इस मांग नूं पूरा करन अते संगठन दे समर्था निर्माण वाले एक होर वड्डे कदम च सरकार ने देश विच 63 होर एफएम ट्रांसमीटर लाने नूं मंजूरी दिती है। आउंदियां कर्नाटका विधानसभा चोणां लई चोण प्रचार जोर शोर नाल चल रहा है। वख-वख पार्टियां तों चोटी दे सियासी नेता राज विच जनसभावां ते रोड शो कर रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम नूं राज दी राजधानी बेंगलुरु विच 4.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करन लई पहुंचण तों पहलां विदार विच हुमनाबाद विजयपुरा इलाके ते बेलगावी जिले च कुडाची विखे 3 जनसभावां नूं संबोधन करनगे। इस दौरान कांग्रेस के जनरल सकत्र प्रियंका गांधी अज उत्तर कन्नड़ा विच धारवाड़ अते हुलियाल विखे जनसभावां नूं संबोधन करनगे अते रोड शो विच हिस्सा लैणगे। साबका प्रधानमंत्री अते जनता दल सैकुलर दे नेता एचडी देवेगौड़ा जिन्हां ने कल तों अपनी पार्टी दे उम्मीदवारां लई 11 दिनां दा प्रचार शुरू कीता है अज बेंगलुरु देहाती अते रामनगरा जिलियां विच जनसभावां अते रोड शो करनगे। कर्नाटका विच 10 मई नूं वोटां पैणगियां अते वोटां दी गिणती 13 मई नूं होएगी। सोमालिया ते नाइजीरिया दे सेहत मंत्रियां ने कल नवी दिल्ली विच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिज एम्स दा दौरा कीता अते इस दे बुनियादी ढांचे ते खोज अते सिखलाई प्रोग्रामां दी तारीफ कीती। एम्स दे डायरेक्टर डॉ एम सिरी निवास ने सोमालिया दे सेहत मंत्री अली हाजी आदम अबुआकर अते नाइजीरिया दे सेहत मंत्री एकुमा नकामा जोसफा नकामा नूं मरीजां दी देखभाल खोज पता लाउण दीआं सहूलतां अते प्रोजैक्टां बारे जानकारी दित्ती जो कि हस्पताल विच चल रहे ने। जानकारी दौरान दोहां सेहत मंत्रियां नूं दस्या गया कि एम्स दिल्ली हर रोज लगभग 50,000 मरीजां दी देखभाल करदा है। उन्हां नूं हस्पताल विच चल रहे सिखलाई प्रोग्रामां बारे भी जानकारी दित्ती गई जिन्हां विच विदेशां तों भी विद्यार्थी हिस्सा लैंदे ने। देश विच मैडिकल वैल्यू ट्रैवल नूं उत्साहित करन लई इस महीने दी 26 तों 27 तरीक तक कीते गए 6वें एडवांटेज सेहत संभाल भारत समारोह विच हिस्सा लैण लई कई देशां तों सेहत मंत्री अते डेलीगेट दिल्ली विच सन। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ 392 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ C-17 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 362 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਵੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਨ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਧਰ 270 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ 2 C-130J ਉਡਾਨਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜੱਦਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪੋਰਟ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ 300 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ INS ਸੁਮੇਧਾ ਦੀ ਜੱਦਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने एक ट्वीट विच कहा कि ऑपरेशन कावेरी तहत फसे हुए भारतीयों के 13 जत्थे भेजन तो बाद हुण तक लगभग 2400 भारतीयों नूं उत्थों सुरक्षित कढ़िया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के मुखी ब्रिज भूषण शरण सिंह उपर औरत पहलवाना वालों जिनसी तौर पर तंग परेशान शोषण करने के इल्जाम लई उन्हां विरुद्ध कल 2 FIR दर्ज कीतियां ने। FIR कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन च दर्ज हुई। पुलिस ने दोहां FIR विच व्यापक पड़ताल शुरू कीती है। पहला दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट नूं सूचित कीता सी कि यह जिनसी शोषण के दोषां लई ब्रिज भूषण विरुद्ध FIR दर्ज करेगी। 7 औरत पहलवाना ने WFI के मुखी विरुद्ध जिनसी तौर पर तंग परेशान करने के इल्जाम लाए ने। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस लई पेश हुंदिया सुप्रीम कोर्ट के बेंच नूं औरत पहलवाना वालों दायर पटीशन के संबंध में ताजा कार्रवाईयां बारे जानकारी दी। इस बेंच विच भारत के चीफ जस्टिस डॉ DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल ने। औरत पहलवाना लई पेश हुंदिया सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले विच शामिल औरतों की सुरक्षा के संबंध में निर्देश पास करने लई कहा। अर्जी की हमायत विच उन्हां ने बेंच नूं एक सीलबंद लिफाफा सौंपिया जिस विच उन्हां धमकियां दे वेरवे शामिल ने जिन्हां दा केस विच शामिल एक नाबालग वल्लों कथित तौर ते सामना कीता गया है। केस नूं अगले महीने की 5 तरीक नूं सुनवाई लई सूचीबद्ध कीता गया है। भारतीय समुद्री फौज के प्रोजैक्ट 15वीं क्लास से देश अंदर तैयार तीजे सैल्थ विनाशक इम्फाल जिसने कल समुद्र विच अपना पहला सफर किया इस साल मगरों जहे समुद्री फौज विच शामिल किए जाने की योजना है। एक रक्षा रिलीज अनुसार समुद्री फौज विच कई आधुनिक तकनालोजियां ते उच्च स्वदेशी समगरी शामिल है अते इस नूं समुद्री फौज दे वारशिप डिजाइन ब्यूरो वल्लों डिजाइन कीता गया है। इस नूं मुंबई दे माजागाउन डॉक लिमिटेड विखे बनाया गया जो कि भारतीय समुद्री फौज दे आत्म निर्भर भारत दे राष्ट्रीय दृष्टिकोण अते मेक इन इंडिया पहलकदमी ते जोर देने दे साखी वजो तैयार है। इम्फाल दे सब तो वड्डे ते सब तो आधुनिक विनाशक होने दे नाल नाल इस विच पहली बार किसी जहाज का नाम उत्तर पूर्व के एक शहर ते रखे जाने की अनोखी विशेषता शामिल है। इम्फाल उत्तर पूर्वी खिते ते मणिपुर राज दे राष्ट्रीय सुरक्षा ते विकास वल वध रहे योगदान ते महत्व दा टुकवां प्रतीक होगा। ईरान दे विदेश मंत्री हुसैन अमीराब दोलाहिन ने ऐलान किया कि ईरान ते सऊदी अरब दे दूतघर कुछ ही दिनों अंदर मुड़ खोले जाएंगे। यह ऐलान दोहां देशां वल्लों मार्च विच संबंधां नूं बहाल करने लई सहमत होने मगरों कल किया गया। 2016 विच हुईयां कुछ घटनावां मगरों स्वार्थी संबंध तोड़ ले गए सन। श्री अमीराब दोलाहिन ने लबनान की राजधानी बैरूत विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान यह बयान दिता। उन्हां ने दूतघर खोलने लई कोई निश्चित तरीका मुहैया नहीं कीतियां पर इस ऐलान नूं दोहां देशां दरम्यान संबंध सुधारन वाली इक उसारू कदम वजो देखा जा रहा है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप विच सात्विक साईराज रणकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी ने 52 साल बाद मर्दां दे डबल्स विच तमगा पक्का करके इतिहास रचा है। भारतीय जोड़ी दुबई विच क्वार्टर फाइनल च इंडोनेशिया दे मोहम्मद एहसान ते हेंद्रा सेतियावान दी जोड़ी नूं 21-11-21 नाल हरा के सैमीफाइनल विच पहुंची। पहला दो वार दे ओलंपिक तमगा जेतू PV सिंधु औरतां दे सिंगल्स विच दक्षिणी कोरिया दी ऑन से यंग तो 21-18 5-21-9-21 नाल जदकी मर्दां दे सिंगल्स विच HS प्रणॉय रिटायर्ड हर्ट होन मगरों जापान दे कंटा सुनियामा तो 11-21-9-13 नाल हार गए। IPL क्रिकेट विच अज दिने 3:30 बजे कोलकाता दे ईडन्स गार्डन विखे कोलकाता नाइट राइडर्स दा गुजरात टाइटन्स नाल मुकाबला होगा। शामी 7:30 बजे दिल्ली दे अरुण जेटली स्टेडियम च खेडे जाण वाले एक होर मैच विच डेली कैपिटल्स दा सनराइजर्स नाल मुकाबला होगा। बीती रात मोहाली दे पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम विखे लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स नूं 56 दौड़ां नाल हरा दिता। आखिर विच खास खबरां एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन SCO मैंबर देशां नूं दहशतगर्द कार्रवाईयां नूं सहायता जां रकमां देण वालियां दी जवाबदेही तय करन लई कहा। कर्नाटका विच विधानसभा चोणां लई चोण प्रचार जोर फड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 3 जनसभावां नूं संबोधन करनगे। विवादग्रस्त सूडान तो ऑपरेशन कावेरी तहत हुण तक लगभग 2400 भारतीयों नूं सुरक्षित कढ़िया गया है। बैडमिंटन च सात्विक साईराज रणकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी दी जोड़ी दुबई एशिया चैंपियनशिप च मर्दां दे डबल्स दे सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। आकाशवाणी तो खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।